भारत के सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपको दी जाती है स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी जानकारी। आज की जानकारी का विषय है स्किन डिजीज के अंतर्गत खाज और खजली। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथ के जाने माने चिकित्सक, होमियो सम्राट से सम्मानित डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्किन डिजीज के अंतर्गत खाज खजली के संबंध में डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। डॉक्टर बनर्जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के सभी प्रिय दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर बनर्जी, आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज के अंतर्गत खाज और खजली की। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को पता होगा कि स्किन डिजीज और विशेष तौर से खाज खजली से शायद ही कोई अछूता रहा हो। जीवन में कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को इसका शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसमें हमारे जीवन का असर, कुछ रहन सहन का असर और कुछ खाने पीने से भी ये सारी बीमारियां होती हैं। और स्किन डिजीज के अंतर्गत आने वाला यह खाज और खजली अपने आप में इतना मनोरंजक बीमारी के रूप में हो जाता है कि लोग खुजाते 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 उस जगह को छील तक देते हैं। तो ऐसे संबंध में, इस बीमारी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, खाज खुजली त्वचा रोग के अंतर्गत होने वाला रोग है। वैसे तो त्वचा रोग का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, किंतु त्वचा रोग के अंतर्गत होने वाली खाज और खुजली जन सामान्य में बहुत ही प्रचलित बीमारी है। देश की अधिकांश जनता किसी न किसी प्रकार चर्म रोग से अवश्य पीड़ित है। उसी तरह खाज और खुजली भी एक प्रकार का चर्म रोग ही है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने यह तो बता दिया कि खाज और खजली भी एक प्रकार का चर्म रोग है, और यह देखा गया है कि यह चर्म रोग परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को यदि हो जाता है तो धीरे धीरे करके पूरे परिवार के लोगों को फैल जाता है और बच्चे बहुत विशेष तौर से इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि यह जो है प्रचलित बीमारी जिससे देश की अधिकांश जनता किसी न किसी रूप में पीड़ित ही है, यह बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है। इस रोग के संबंध में आप हमारे दर्शकों को कुछ और जानकारी दें। खाज खुजली चर्म रोग के अंतर्गत होने वाला एक ऐसा रोग है जो मानवीय सभ्यता की प्राचीनतम बीमारियों में से एक है। ये भयंकर सताने वाला छूत का संक्रामक रोग है। ये संक्रमण एक दूसरे से हो जाता है और फैलता रहता है। घर के एक व्यक्ति को यदि खाज खुजली का रोग हो गया तो इसका संक्रमण एक एक करके घर परिवार के सभी सदस्यों में फैल जाता है। यहाँ तक कि चिकित्सा के अभाव में पूरा मोहल्ला का मोहल्ला तक इस रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्कैबीज एवं सामान्य बोलचाल के भाषा में खाज खुजली अथवा खारिश के नाम से जाना जाता है। खाज खुजली तीव्र शोभक होता है तथा खुजलाने से वो तेजी से बढ़ता ही जाता है। डॉक्टर साहब, खाज और खुजली के संबंध में हमारे दर्शकों को एक बात तो क्लियर हो गई, ये एक स्किन डिजीज है और दूसरी है संक्रामक रोग। ये संक्रमण के नाते एक परिवार से दूसरे परिवार को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये फैलता ही रहता है। और इसके जो आपने विभिन्न नाम बता दिए, ये हमारे दर्शकों को एक अच्छी जानकारी हो गई। खाज खजली को इसके बीज भी कहा जाता है और खारिश भी आपने एक नया नाम बताया, इस नाम की जानकारी मुझे स्वयं नहीं थी। तो खारिश भी इसका एक नाम है। अब हमारे दर्शकों को एक बात आप बता दें कि जैसे कि यह बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो किसी उम्र विशेष में होती हैं, तो क्या यह
जो खाज और खुजली की बीमारी है, यह खाज और खुजली की बीमारी किसी उम्र विशेष में होती है या किसी भी उम्र के लोगों को यह बीमारी अपने प्रभाव में ले सकती है? त्वचा रोग का किसी उम्र विशेष से वैसे तो मतलब नहीं होता है। बच्चे के जन्म के साथ ही त्वचा जब वातावरण के संपर्क में आती है तो त्वचा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह युवा, प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों के साथ भी होता रहता है। उनके रहन सहन, साफ सफाई, उठना बैठना और उनके व्यापार या बिजनेस से भी त्वचा रोग का सीधा संबंध होता है। इन सब के बावजूद ये देखा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खुजली का प्रकोप बहुत ही अधिक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रकोप कम होता जाता है। मानवीय सभ्यता का सबसे प्राचीनतम रोगों में से एक इसके भी, जैसा कि अभी आपने बताया ही, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा ही प्रभावित करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे इसका असर भी कम होता है। दरअसल बात करते हैं एक ऐसे वातावरण की जिसमें कि इसके बीच के जीवाणु जो है वो पलते फूलते हैं और बड़े होते हैं और उसके नाते लोगों को इसके बीच की बीमारी होती है। अभी कुछ जानकारी आपने दी है, हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके बीच के नाम से प्रचलित इस बीमारी को, जिसे खाज, खुजली और खारिश भी कहा जाता है, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? त्वचा रोग के अंतर्गत होने वाली बीमारी खाज, खुजली, जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्कैबीज भी कहा जाता है, इसके होने का प्रमुख कारण सार्कोटिस स्कैबियाई नामक पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट मनुष्य के शरीर में गंदगी के माध्यम से, छूत या संक्रमण के माध्यम से, किसी बीमारी के प्रभाव के कारण से, कई प्रकार की औषधियों की विषमता के कारण से तथा प्रयोग किए गए रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न शोभ के कारण से और कुछ रक्त संबंधी रोगों के माध्यम से मनुष्य शरीर पर पहुंचता है और यहाँ अपना प्रभाव जमा लेता है, जिसके कारण से खाज, खुजली की शिकायत होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे दी कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण एक पैरासाइट है जिसका नाम आपने बता दिया, सार्कोटिस एस्केवियाई। तो सार्कोटिस एस्केवियाई किन कारणों से हमारे शरीर में पहुंचता है, इसको आपने स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे रसायनों के नियमित प्रयोग से या अंधाधुंध दवाओं के प्रयोग से या हमारे जीवन का जो स्तर है, जो रहन सहन है, जो साफ सफाई का स्तर है, उसके कारण भी ये सार्कोटिस एस्केवियाई अपना प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ जाता है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं सार्कोटिस एस्केवियाई पैरासाइट के मनुष्य के शरीर पर पहुंचने के वैज्ञानिक कारणों की, जिसे आपने बताया ही है। हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे कहना चाहेंगे कि स्केबीज का कॉमन स्किन डिजीज है ये, इसलिए इसके प्रमुख कारणों को सहज और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि अभी जितने भी कारण आपने बताए वो वैज्ञानिक कारण रहे। तो इसके बीच होने के बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो हमारे दर्शकों को भी पता होते हैं, तो मैं यह चाहूँगा आपसे कि बहुत ही सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं। स्कैबीज या खाज, खुजली के सबसे सहज कारण गंदगी ही होते हैं। जैसे बच्चे जो गंदगी में खेल रहे होते हैं, खेल कर आने के बाद अपने हाथ, पैर और शरीर को ठीक से सफाई नहीं करते हैं, गर्मी के मौसम में जहां पसीना जम जाता है उस जगह पर भी इस स्कैबीज की शिकायत हो जाती है। अभी ठंड का मौसम बीता है या बीत रहा है, उसमें कपड़े की गंदगी या स्नान न करने से या गंदे चद्दर, रजाई, कंबल को ओढ़ने या बिछाने से भी इस स्कैबीज की शिकायत हो सकती है। प्रायः घरों में देखा जाता है कि एक दूसरे के कपड़ों का इस्तेमाल सभी लोग करते रहते हैं, इससे भी स्कैबीज हो जाता है और फैलता रहता है। यदि किसी एक को शिकायत हुई
तो पूरे परिवार को होने की पूरी संभावना बन जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि गंदगी ही मूल कारण है इसके बीज के होने की। और विशेष तौर से जाड़े का मौसम अभी बीता है और जाड़े के मौसम में बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब स्नान नहीं करते हैं, और हफ्तों बीत जाता है वो स्नान नहीं करते हैं और अपने अंडर गारमेंट्स तक लोग बदलते नहीं हैं, जिसके कारण स्किन डिजीज में विशेष तौर से ये खाज और खजुली की मैं बात कर रहा हूँ, ये होने की संभावना उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं शरीर के किन अंगों को ये खाज खुजली खारिश जो है ज़्यादा प्रभावित करती है, ये हमारे दर्शकों को यदि पता चल जाए तो कम से कम उन अंगों की साफ सफाई वो नियमित करते रहेंगे। और जिस तरह से आपने बता दिया कि भाई अपना चद्दर, बेडशीट और जो भी आइटम उनके नियमित प्रयोग करने का है उसको साफ सुथरा रखेंगे वो, तो उनको यह बताना बहुत आवश्यक है कि स्किन डिजीज के इस खाज खजुली से प्रभावित होने वाले अंग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। वैसे तो स्कैबीज शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित करता रहता है, किंतु ये रोग अधिकतर शरीर के उन्हीं हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित करता है जहाँ गंदगी ज़्यादा जमा होती है, या शरीर का वो हिस्सा जो बाहरी संपर्क में ज़्यादा रहता है, जैसे कॉलर बोन यानी कि हंसली की हड्डी की रेखा के नीचे पतली त्वचा वाला स्थान, कोहनी के अंदर वाला भाग तथा बगल के नीचे वाला भाग, कलाई के जोड़ों, हाथों के अंदर वाले हिस्से और उंगलियों की दरारें, स्त्रियों के वक्ष प्रदेश, पेट तथा पट्टे पर, तथा पुरुषों के पेट, जंघे के पट्टे, कमर, पेड़ू, नितंब, कूल्हे प्रायः इस रोग के शिकार हो जाते हैं। शरीर के आधे भाग में जंघा, टखने और पैरों की लसिकाएं इस स्कैबीज से प्रभावित हो जाती हैं। यदि संक्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया तो खुजली से प्रभावित स्थलों पर खारिश वाले दाने दिखाई देने पड़ते हैं। इससे हल्के घाव, खरोच, पस तथा एक्जिमा भी होने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने एक बहुत अच्छी बात ये बता दी कि अगर इसके बीज का प्राथमिक इलाज नहीं किया गया तो वो एक्जिमा में बदल सकता है। आगे हम बात करेंगे एक्जिमा पे, लेकिन अभी दर्शकों को इस बात की जानकारी देनी बहुत ही आवश्यक थी। और डॉक्टर साहब, बात करते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों की जिसके कारण भी इसके बीज की शिकायत होती है, जैसे मेल न्यूट्रिशन, जिसे कि हम हिंदी में कुपोषण भी कहते हैं, और शरीर पे इम्यून पावर का कम होना, और रोगी को बेहतर पौष्टिक आहार का न मिलना, या रोगी को डायबिटीज की शिकायत का होना, इन सारे कारणों से भी ऐसा माना जाता है कि इसके बीज की शिकायत होती है। लेकिन विशेष तौर से संक्रमण, इसके बीज का संक्रमण व्यक्ति को कैसे होता है, ये हमारे दर्शकों को जानना है। इसके बीज के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छूत का रोग है। इस स्कैबीज हुए रोगी के साथ उठने, बैठने से, सोने और शरीर के संस्पर्श, यहाँ तक कि उसके कपड़े के प्रयोग करने से भी इस स्कैबीज हो जाता है। ये अति संक्रामक रोग है। वैसे प्रायः देखा गया है कि गरीब, दीन, हीन और गंदे मनुष्यों में इस रोग का प्रकोप बहुत ही अधिक होता है। यद्यपि इस रोग के प्रसार के लिए कोई मौसम विशेष नहीं होता है, फिर भी गर्मी, बरसात और ठंडी के मौसम में इस स्कैबीज के लक्षण बहुत ही अधिक देखे जाते हैं। ये उन घरों में भी ज़्यादा फैलता है जिन घरों में स्थान के अभाव में, स्थान के मुकाबले ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ भी ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता जाता है। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बताया कि इसके बीज का इन्फेक्शन जो है वो दीनहीन और कुछ गरीब लोगों में ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ कि इसके बीज का यह कारण जो है उनकी गंदगी से ज़्यादा संबंध रखता है और उसमें गरीबी बहुत मायने नहीं रखती है। अगर वो साफ सफाई से रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको इसके बीज नहीं भी हो सकता है। और दूसरा जो कारण है कि हमारा पूरा पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल के बहुत बड़े हिस्से में एक ही कोठरी में जिसकी पूरा परिवार का एक भरण पोषण हो रहा है और उसमें उनका रहन सहन होता है, वह भी एक कारण हो सकता है।
और डॉक्टर साहब अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो लोग अभिजात्य वर्ग के हैं और उनको जानवर पालने का बहुत शौक होता है, जैसे कुछ लोग कुत्ते पाल लेते हैं, कुछ लोग बिल्ली पाल लेते हैं और वो अपने गोद में उसको लेके घूमते हैं, तो ऐसे कारण से भी इसके बीज हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को भी यह बता दें कि इस तरह के जानवर पालने से जो इसके बीज होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए क्या रोकथाम के भी उपाय उसके लिए कुछ होते होंगे, आप निश्चित तौर पर आप उन्हें बताएं। जी संजय जी, पालतू जानवर कोई भी हो यदि उसकी साफ सफाई उपयुक्त नहीं है तो उसे गोद में उठाने वाले लोगों के शरीर इस कैबीज से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर उन्हीं अंगों पर इस कैबीज का प्रभाव पड़ता है जो अंग जानवरों को उठाने में संपर्क में आता है, जैसे हाथ, सीना, पेट, जंघा इत्यादि इत्यादि। इससे बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि जानवर की जांच होती रहे तथा उसे साफ सफाई से रखा जाए। ऐसा नहीं है कि सफाई पर विशेष ध्यान रखने वालों को स्कैबीज नहीं होता है, क्योंकि इसके संक्रमण कई अन्य कारण भी से हो जाते हैं, किंतु इतना तो तय है कि ऐसे व्यक्तियों पर इसका प्रकोप कम होता रहता है। अभी आपने सुना, डॉक्टर साहब ने यह बता दिया कि जो लोग साफ सफाई से रहते हैं यह निश्चित है कि उनके ऊपर इसके बीज का प्रभाव कम होता है, ऐसा देखा गया है। डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत अच्छी बात उन लोगों को बता दी जो लोग जानवर पालने के शौकीन हैं, क्योंकि अपने साफ सफाई पर तो आदमी ने ध्यान दिया और कुत्ते को लेकर चाहे बिल्ली को लेकर वो गोद में खिलाने की जो बात आपने अभी बताई ही है उसके कारण भी होता है, तो जैसे वो अपनी साफ सफाई करें उसी तरह से उन जानवरों की भी साफ सफाई का ध्यान रखें जिनको वो पालते हैं। डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है कि आपने जिन विशेष अंगों के बारे में बताया है कि उन अंग विशेष पे इसके बीच का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि ये जो सार्कोवी स्केबियाई आपने पैरासाइट बताया वो पैरासाइट हमारे शरीर के उन अंगों पर पहले से मौजूद रहते हों और अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल समय आते ही उनका प्रभाव बढ़ जाता हो और वो इसके बीच के रूप में दिखने लगता हो? हमारे दर्शक इसको जानना चाहेंगे सर। स्केबीज पैरासाइट्स अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ये चमकदार सफेद रंग के ही होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु मुख्यतः जांघों, नितंबों के पीछे, सीने और बगल यानी कि कांख के नीचे रहते हैं। जैसे ही अनुकूल वातावरण इन जीवाणुओं को मिलता है ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि खुजली के प्रथम लक्षण इन्हीं अंगों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब अभी आपने बता दिया कि उन अंग विशेष पर इसके बीज के जीवाणु जो कि पैरासाइट होते हैं पहले से उपलब्ध रहते हैं और अनुकूल वातावरण पाते ही वो फिर से अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देते हैं और इसके बीज नाम की बीमारी व्यक्ति को हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ हमारे दर्शक दो बात जानना चाहेंगे, पहला तो ये अनुकूल वातावरण उनके लिए क्या है और दूसरी बात जो आपने यह बता दी है कि इसके बीच जो है जब अपना असर दिखाना शुरू करता है तो वो अनुकूल वातावरण की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नियमित स्नान करते हैं, नियमित तो हर हर गंगे करते रहते हैं फिर भी उनको इसके बीच की शिकायत होती है, तो यह दो बातें हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो हमने आपसे बता दिया कि यह अनुकूल वातावरण क्या होता है और दूसरा ये कि रोज स्नान करने वाला व्यक्ति भी इसका शिकार कैसे हो जाता है। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ तक अनुकूल अवसर का प्रश्न है इसके साथ ही जुड़ा ये भी प्रश्न है कि स्कैबीज के पैरासाइट्स गर्दन से ऊपर के हिस्से जैसे चेहरे पर और सिर पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। स्कैबीज का प्रसार कपड़ों, तौलियों, बिस्तर इत्यादि से अधिक होता रहता है। ये जीवाणु बालों की जड़ों में घर बना लेते हैं, यहाँ से निकलकर त्वचा के ऊपर आके काटते रहते हैं जिससे खुजली होनी शुरू हो जाती है। ये जीव दिन की अपेक्षा रात्रि में अधिक निकलते हैं, अतः रात्रि में ही आप देखे होंगे कि इस स्कैबीज का खुजली बहुत अधिक शुरू हो जाता है।
स्कैबीज के पैरासाइट्स सार्कोटिस स्कैबियाई नर एवं मादा दोनों ही मानव त्वचा में रहते हैं, लेकिन मादा जब अंडे देती है त्वचा के ऊपर, जब अंडा में लार्वा बनता है तब खुजली का एहसास होने लगता है। इतनी बात स्पष्ट हो जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि सिर्फ शरीर पर पानी गिरा लेना या स्नान कर लेना ही से इस स्कैबीज को रोका नहीं जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, जाड़े में हमारे बंधु लोग कौवा स्नान करते हैं, और ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि वह स्नान स्नान नहीं होता है बल्कि वह इसके बीज का कारण भी बन सकता है। आपने स्पष्ट कर दिया यहाँ इस बात को कि सिर्फ पानी गिरा लेना ही स्नान नहीं होता है, यह बात दर्शकों को समझ लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि खुजली को, जो रात में आपने बता दिया कि खुजली रात में बहुत ज़्यादा होती है और इसके कारण से हमारे कई ऐसे रोगी ऐसे होते हैं जो रात में सो तक नहीं पाते हैं, वो नींद आई पता चला कि खुजलाना शुरू कर दिए, तो एक तो यह बात हो गई और एक बात का और विश्वास हो गया कि वो सार्कोटिस स्कैबियाई जो हमारे शरीर पर पहले से मौजूद रहता है, वह जब अंडे देती है और उसका लार्वा बनता है तो वहाँ से बीमारी हमारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब जो है कुछ बातें इस विषय पर भी होनी चाहिए कि आपके पास जब कोई रोगी आता है जो स्कैबीज से पीड़ित है, तो आप किन लक्षणों को देखने के बाद उसको यह निश्चित कर देते हैं कि यह बीमारी स्कैबीज ही है, क्योंकि बहुत सारे अन्य बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें दाने निकलते हैं और खुजली होती है, तो आप किन लक्षणों के आधार पर उसका स्कैबीज निश्चित करते हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हाथों और उंगलियों के बीच में छोटे 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 वेसिकल्स निकलते हैं, इसे आप जल स्फोट या फुंसी टाइप दाने भी समझ सकते हैं। इनमें तीव्र खुजली शुरू हो जाती है, खुजली के कारण रोगी को खरोचना पड़ता है, खुजलाना पड़ता है, नोचना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जल स्फोट के पानी का संक्रमण शरीर के अन्य भागों में भी पहुंच जाता है, यानी ये संक्रमित पानी शरीर के अन्य भाग में भी फैलना शुरू कर देता है। इस संक्रमण की विशेषता ये होती है कि अधिक से अधिक संक्रमण होने पर भी इसका संक्रमण चेहरा और शिरोवल्क यानी कि सिर का हिस्सा अछूता ही रहता है। शरीर के अग्रभाग में संक्रमण ज़्यादा होता है जबकि शरीर के पीछे का भाग कम प्रभावित होता है। रोग के स्पष्ट लक्षण हाथ पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा पर
या खाज खुजली या स्किन डिजीज से बचाव के लिए आप सब इन बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें जो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप आवश्यक समझें तो कागज कलम लेके इनको आप लिख भी सकते हैं। जाड़े के मौसम में हल्के गर्म पानी से प्रतिदिन स्नान करें। गर्मी के मौसम में साफ ठंडे पानी से कम दो बार स्नान करें। स्नान करने के पूर्व एक बाल्टी पानी में 15 बूंद डिटॉल या सेवलॉन डाल के अवश्य स्नान करें। धूप से अपने त्वचा को हर समय बचाने की चेष्टा करें, क्योंकि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और इंफ्रारेड रेडिएशन अत्यधिक मात्रा में रहता है, जो कि आपके त्वचा को खरोच या जलन या उसमें असुविधा पैदा कर देता है। नवयुवक व नवयुवतियाँ जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोचिंग जाती हैं, उनको मेरा सलाह यह है कि जाते समय, बाहर निकलते समय सर पर टोपी और चेहरे पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हर समय साफ सुथरा हवादार सूती या ऊनी कपड़ों का ही प्रयोग करें। टेरलिन टेरिकॉट्स नायलॉन पॉलिस्टर्स कपड़ों का प्रयोग बहुत कम करें। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन हरी सब्जी और ताजा फल का सेवन करते रहें। शरीर पर पसीने का जमाव कदापि न होने दें। यदि आवश्यक हो तो एंटीसेप्टिक पाउडर का प्रयोग करते रहें। मांसाहारी भोजन और तैलीय पदार्थ का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि इसके उपयोग से त्वचा पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हल्के साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा हो यदि बेसन, मैदा या चिकनी मट्टी या मुल्तानी मट्टी से रगड़ रगड़ कर त्वचा को साफ करें। बच्चों को निर्देश दें कि बहुत अधिक समय तक धूप में न खेलें और नंगे पैर कीचड़ या गंदे जगह पर कदापि न जाएं। रबर या नायलॉन का चप्पल या जूता कम से कम प्रयोग करें, उससे शरीर पर चमड़े पर एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि परिवार में किसी को स्कैबीज या चर्म रोग हो तो उसके कपड़े, तौलिया, चद्दर इत्यादि अलग रखें। यदि घरेलू जानवर पालने के आप शौकीन हैं तो उनको भी साफ रखें, रोज नहलवाएं, साबुन से साफ करें, ताकि परिवार के किसी भी व्यक्ति को जानवरों द्वारा संक्रमण न फैल पाए। अपने त्वचा को अच्छा पोषण देने के लिए सप्ताह में दो बार स्नान करने के पूर्व तिल या नारियल का तेल अवश्य लगाएं। उपरोक्त बिंदुओं के साथ मैं आप सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम हेल्थ प्लस, स्वास्थ्य जागरूकता का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आज का विषय था स्किन डिजीज के अंतर्गत खाज और खजली। जानकारी दे रहे थे इस संबंध में होम्योपैथ के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। विषय होगा होली स्पेशल, होली ना बन जाए बीमारी। तो देखते रहिए कार्यक्रम हेल्थ प्लस। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।